हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं अपने होम टाउन आई हूँ, तो आज मैं अपने देसी स्टाइल में खाना बनाऊंगी। आप लोगों को बढ़िया अपने गांव में चूल्हे पे खाना बना करके दिखाऊंगी। उसमें मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्जी और रोटी और चावल। अब मैं शुरुआत करती हूँ। देखिए, कुकर को चूल्हे पे चढ़ाने के लिए मैंने इसमें मिट्टी लगा ली, जिससे ज्यादा कुकर हमारा जलेगा नहीं। अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं कुकर। कुकर हमारा गरम हो जाए तो इसमें तेल डाल करके पनीर को हल्का फ्राई करेंगे। देखिए, तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हमने इसमें पनीर डाल करके पनीर को हल्का फ्राई करेंगे। हमारा पनीर भुन गया है और अब हम मसाला डालेंगे प्रेशर कुकर में। पहले एक तेज पत्ता डाला, फिर प्याज, लहसुन प्याज डाला। अब अच्छे से हमारा प्याज भुन जाएगा तब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। प्याज हमारा भुन रहा है, इसमें आधी चम्मच हल्दी डालेंगे। छोटी चम्मच है, आधी चम्मच हल्दी डालेंगे। एक चम्मच मिर्च डालेंगे। धनिया पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। सब मसालों को अच्छे से भुनेंगे। देखिए, मसाले हमारे खूब अच्छे से भुन जाए। हमारा मसाला भुन गया है। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डाल रहे हैं। हमने दो टमाटर पीस लिए, उसकी प्यूरी डाल दी है। और बड़ा मजा आ रहा है चूल्हे में बनाने में। बच्चे भी हैं, सब लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। बहुत ही सबको मजा आ रहा है कि चूल्हे में सब्जी बन रही है। अब हमारा मसाला खूब अच्छे से भुन जाएगा। मसाला जितना बढ़िया भुनेगा उतनी अच्छी सब्जी हमारी बनके तैयार होगी। देखिए, मसाला हमारा थोड़ा भुनने लगा है। इसमें हम मटर डाल देंगे और चूल्हा जलाने में हमारी हेल्प हमारे ससुर कर रहे हैं हमारे साथ मिल बैठ करके। अभी देखिए, मटर और मसाला हमारा खूब भुन जाए, बढ़िया अच्छे से भुन जाए, तब इसमें पनीर डालेंगे। मसाला हमारा खूब बढ़िया भुन गया है। सब्जी में जब तक मसाला नहीं बढ़िया भुने तब तक सब्जी अच्छी नहीं बनती है। देखिए, मसाला कितना बढ़िया भुन गया है और चारों तरफ से चिकना छोड़ दिया है मसाले ने। अब इसमें पनीर डालेंगे। देखिए, पनीर हमने डाल दिया है और पनीर को चला देंगे और इसे अब इसे अपने आपको जितनी ग्रेवी खानी हो आप उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। देखिए, इसमें हमने ग्रेवी लगा दी। अब इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और बस एक प्रेशर लेंगे और हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए, इसमें प्रेशर कुकर में सीटी आने लगी है। देखिए, हमारी सब्जी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको उतार देंगे और रोटियां बनाएंगे। आटा हमारा गूंथ के तैयार हो गया है और बढ़िया रोटी हम बेल रहे हैं।
अब गैस चूल्हे पे हमने तवा चढ़ा दिया है। ये देखे चित्तियां पड़ गई हैं और रोटी हो गई है बढ़िया। दूसरी तरफ भी हल्की चित्ती पड़ जाए और इसको उतार के नीचे अंगारे में सेकेंगे रोटी। ये देखिए देखिए चूल्हे में कितनी बढ़िया रोटी हमारी फूली फूली सिक रही है। चूल्हे की रोटी का मजा ही कुछ होता है, चूल्हे की रोटी मीठी लगती है खाने में। ये देखिए कितनी बढ़िया रोटी हमारी सिक करके तैयार हो गई। आप इसमें मक्खन लगा के या घी लगा के किसी भी तरह से आप रोटी को खाइए। शुरू कर दी है, देखिए हमने सब्जी परस ली, अब दाल, रायता लिया बेटा, ये देखिए रोटी में घी लगा रहे हैं। ये देखिए हमने खीरे का रायता बनाया है। देखिए हमारा रायता और हमारी थाली बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। इसको बढ़िया से एंजॉय करिए। यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।